सब्सक्राइब करें पुरानी गाड़ी .com चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं महिंद्रा की बुलेरो BX6 कार, जो कि आज ही राम नरेश जी ने मुझे अपनी गाड़ी को व्हाट्सएप किया है। वो अपनी इस गाड़ी को अर्जेंट में बेचना चाहते हैं। 2023 का मॉडल नंबर है, प्राइस काफी अच्छा है। अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से करीब करीब आपको 70,000 गाड़ी सस्ती मिलने वाली है। वहीं फ्रेंड्स जो गाड़ी चली हुई है जेन्युइन चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ मात्र 33,000 किलोमीटर। गाड़ी की इंफॉर्मेशन कंडीशन आप ऑलमोस्ट देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, लेकिन बात करते हैं डायरेक्ट चल के ओनर से कि वो अपनी गाड़ी को क्यों बेचना चाहते हैं, क्या रीजन है या फिर कोई कमी तो नहीं है गाड़ी में। तो ये सारी जानकारी हम लोग ओनर से ही लेते हैं, तो आइए उनको डायरेक्ट फोन लगाते हैं। राम नरेश जी बात कर रहे हैं? राम नरेश जी, पुरानी गाड़ी .com से बात कर रहा हूँ। राम नरेश जी, आपकी मेरे पास बुलेरो गाड़ी बिकने के लिए आई हुई है जी। ये 2023 का मॉडल नंबर है जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है जी। और गाड़ी आपकी 33,000 किलोमीटर चली हुई है विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ। फर्स्ट ओनर आपकी गाड़ी है, फ्यूल टाइप डीजल है जैसे कि जो कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी तक आई है। गाड़ी का कलर व्हाइट है। मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि गाड़ी में आपकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है कोई, मतलब ये है ना कि मैनेज नहीं हो पा रही है। ओके, और सर मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, इसकी स्टेपनी अभी तक मतलब आपने यूज कर रखी है, अभी तक यूज ही नहीं की है? स्टेपनी यूज की है कभी कभार, जैसे कहीं गए लंबे हाँ, और जैसे पंचर वंचर हो गई तो स्टेपनी यूज की हुई है, लेकिन पीछे के टायर जो है तो उसमें कुछ कमी आ गई थी, पीछे के नए डले हैं टायर। ओके, पीछे फिर आपने नए टायर डलवाए हैं? हाँ, दोनों नया टायर डलवाया है 14,000। ओके ठीक है सर। और गाड़ी के इंजन में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अच्छा, और साथ साथ क्यों बेचना चाहते हैं अपनी इस कार को आप जी? गाड़ी को सर क्यों बेचना चाह रहे हैं? मतलब अभी आपने एक तो ये प्रॉब्लम बताया कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे इस गाड़ी को जी। मैनेज नहीं हो पा रही ना। अच्छा, इसके अलावा और कोई रीजन तो नहीं है ना सर? रीजन कुछ नहीं, आप खुद देख सकते हैं ना। अच्छा, और ये जो ओनर को गाड़ी कहाँ पे आना पड़ेगा आपकी गाड़ी को लेने के लिए? जी आना पड़ेगा हमीरपुर जिला यूपी है जी, गाँव जलालपुर। गांव जलालपुर है जी। ठीक है, ये यूपी में गाड़ी इस वक्त खड़ी है हमीरपुर में ना जी। और इंश्योरेंस कब तक वैलिड है सर आपकी गाड़ी का? इंश्योरेंस वैलिड है मतलब अभी करवाया 15 फरवरी को, तो यानी कि 25 फरवरी तक वैलिड है जी, करीब 15 फरवरी तक समथिंग 2025। ठीक है सर? हाँ, एक साल का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो आपने गाड़ी का प्राइस दिया है वो दिया है 9 लाख रुपए का जी जी। तो सर और क्या कम कर सकते हैं आप इसमें? एक भी मतलब परसेंट कुछ नहीं कम हो सकता। ओके, मतलब पुरानी गाड़ी की तरफ से कस्टमर आपके पास आएंगे तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ सर डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा आपको उनको। अरे ऐसा है ना, डिस्काउंट उतना मतलब क्लियर बताया कि उसमें डिस्काउंट नहीं कर सकती, बहुत नुकसान में है। हाँ हाँ, अभी भी बहुत नुकसान में है, पर उसमें डिस्काउंट अब क्या कर सकते। चलिए जो भी है, फिर वो वहाँ पे कस्टमर जब आपके साथ बैठेंगे पैसे लेके तो सर कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, 5-10 हजार रुपए। हाँ, वो 10-5 हजार की बात तो, इतनी बड़ी चीज में 5-10 हजार की तो वो तो ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं ये डिटेल आपकी जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर दूंगा, डिटेल भी आपकी यूट्यूब पे जाएगी, तो उसके बाद आपके पास कॉल्स आना चालू होंगे, आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो उनको गाड़ी दिखाइएगा, जो भी पेमेंट लेके आता है हैंड टू हैंड पेमेंट लीजिएगा, उनको गाड़ी दीजिएगा। ठीक है सर? ठीक, ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आपने राम नरेश जी को सुना जो कि अपनी इस गाड़ी को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विसेज हैं उसके जो खर्चे हैं वो उसको नहीं झेल पा रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी इस गाड़ी को बेचना चाहते हैं। तो अगर आप सभी खरीदना चाहते हैं महिंद्रा बुलेरो कार 2023 मॉडल BS6 कार, फर्स्ट ओनर, 33,000 विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई, इसे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। आप गूगल या किसी भी ड्रूम या किसी भी थर्ड पार्टी पोर्टल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको जो प्राइस मिलने वाला है इस गाड़ी का वो मिलने वाला है अप्रोक्स 9,80,000 9,70,000। अगर आप अपने
करीब 70 से 80 हजार रुपए बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ओनर को कॉल कर लीजिएगा और इस कार को आज के आज परचेज कर लीजिएगा। ओनर का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, कंडीशन आप देख ही चुके होंगे ऑलमोस्ट कार की। तो फ्रेंड्स अब करना क्या है, केवल डिस्क्रिप्शन से ओनर का नंबर लेना है और उनसे बात करके इस गाड़ी को परचेज करना है। और हाँ एक और चीज, अगर आपके पास भी कोई सेकंड हैंड कार है, आप उसे बेचना चाहते हैं अर्जेंट में, तो आप सभी को करना क्या होगा, आपको एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो बनानी होगी, मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कार की वीडियो सेंड करनी होगी, जिससे कि आपकी कार घर बैठे बिठाए 24 से 48 घंटे के अंदर सेल आउट हो जाए, आपको कहीं ना जाना पड़े, कस्टमर आपके पास खुद चल के आए। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जल्दी से मेरे दिए गए इस नंबर पे अपनी गाड़ी की वीडियो व्हाट्सएप कर दीजिए और हाँ अपनी कार को मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर विदाउट कमीशन अपनी कार को सेल आउट करिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे।